सो हेलो हाय वेलकम टू द माय न्यू अनदर ब्लॉग में आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। सो आज के ब्लॉग में हम लोग आ गए हैं दोस्तों। ये वाला जो जगह है ये बनखमन है, अब देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, ये वाला चौक बनखमन चौक है। आप लोग कभी भी आइए, ये वाला लास्ट दुकान है। यहाँ पर यही सब कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं, पेट्रोल से ले कर ड्रिंक तक अवेलेबल यहाँ किया गया है। ठीक है, दुकान देख रहे हैं। अब ये जो राइट साइड कच्चा रास्ता गया है मुरुम वाला, इसमें हम लोग को जाना है। यहाँ से और दो तीन किलोमीटर जैसा होगा, हम लोग अपना खाना पीना सामान ले कर निकल पड़े हैं। जुड़े रहिए चैनल में। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ख़राब रास्ता, यहाँ से आपको अच्छा रास्ता मिलेगा ही नहीं। ठीक है, छोटा सा नाला पार करके हम लोग को जाना पड़ेगा मंजिल तक। ये जो नाला देख रहे हो आप लोग, ये झरना का पानी का नाला है। ठीक, और यहाँ पर आप कार लेके आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल में, और चैनल में जो कोई भी नया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। अब देख सकते हैं रास्ता, ये और दूसरा रास्ता है, उसी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सिंगल रोड है, देखो बाइक के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ इतना ख़राब रास्ता है, लेकिन जगह ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजगांवपुर है। राजगांवपुर से यहाँ 23 किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर सुंदरगढ़ से आ रहे हैं तो 62 पड़ जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के आपको 85 सुंदरगढ़ से अगर आना चाहते हैं तो। ये लोकेशन तो हालत ख़राब हो गया उतना दूर से, रास्ता भी ठीक नहीं है यहाँ आने के लिए। ठीक है ना, हम लोग बहुत मुसीबत झेल झेल के आ रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो जुड़े रहिए प्लीज़, और चलिए चलते हैं आगे। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। हम लोग चार जन आए हैं। ठीक है ना, मैं, मेरा भाई, मेरा भांजा और एक तो भाई है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ कार उर नहीं आएगा, यहाँ पर बाइक ओनली आएगा। ठीक है, ये आगे हम लोग देख सकते हैं। चलो हैंडल लग करो, चलो हैंडल लग कर, चलो। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। ठीक, अब देख सकते हैं मेरा पीछे मेरा भांजा बोका चौदा आ रहा है, अभी हम लोग बैठेंगे। आपको बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। और ये जो भैया बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसको हम लोग का सुंदरगढ़ी में मंदल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो लोग को कोई कोई आया अपना दोस्ती फैमिली लोग का साथ, तो ये लोग अपना मस्ती में जा रहे हैं, इंजॉय करते। लेकिन एक चीज़ यहाँ ना, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। जितना हम लोग नज़दीक जा रहे हैं उतना देखिए, आप देख सकते हैं कैसे झुक झुक के जाना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा, नहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आगे। हाँ, और एक चीज़, अगर आप राउरकेला होते हुए आना चाहते हैं तो यहाँ तक पड़ जाएगा आपको टोटल 62। ठीक है, राजगांवपुर तक 39 आएगा, उसके बाद
23 राजगांवपुर से। अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, हम लोग ऊपर चल रहे हैं, भारी टाइप का है ये वाला, पर ज़्यादा रिक्स भी है। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, ये वाला नीचे का नज़ारा है, आप देख सकते हैं जितना खूबसूरत दिखता है ना उतना है नहीं, ये डेंजर जगह है। ये जो फोटोशूट कर रहे हैं यहाँ भैया, उसका सामने ये सब स्लिप हो रहा है, पत्थर सब स्लिप होता है, जब भी आइए बी केयरफुल, यहाँ थोड़ा सेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा में गिरने का स्लिप होने में संभावना ज़्यादा रहता है। सब पत्थर जितना दिख रहा है ना, ये सबको स्लिप खा रहा है। और आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं, ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजगांवपुर ब्लॉक में पड़ता है, ये बनखमन है। तो आइए दोस्तों कभी घूम घूम के जाइए, यहाँ का ऊपर का नज़ारा तो नहीं जा सकते हैं कहाँ से कितना दूर से पानी आ रहा, लेकिन नीचे से जितना हम देख सकते हैं दिखा सकते हैं आपको दिखा दिया, ठीक है। सो अब देख सकते हैं हम लोग भी फोटो वोटो थोड़ा खींच लिए, अभी चलते हैं नीचे की तरफ, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ प्लीज़ जो भी चैनल में नया आया है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं।